फ्रेंड्स एंड यूट्यूबर्स, नमस्कार दोस्तों। हिंदी चीनी भाई भाई पर कभी ना होए भाई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आज जो चल रहा है भारत और चीन के बीच, ठीक है ना, उसका पूरा पूरा जिम्मेदार कौन है? चीन है। और चाहे इसकी वजह से ही आपने पिछले महीने में देखा होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट ने टोटली कम से कम 150 के ऊपर ऐसे चाइनीज ऐप क्या किए, बैन कर दिए। दोस्तों आज का टॉपिक हम इसी पे ऊपर बना रहे कि क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा इंडियन ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सब आप सभी लोगों ने इंडियन ऐप के बारे में सुना होगा। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हॉनेस्टली ऐसा लगता है कि आज जो टोटली चाइनीज ऐप बैन हुए है ना, सबसे ज्यादा खुश बहुत सारे लोग होंगे, किसी को दुख भी होगा। खास करके उस चाइनीज ऐप में जब देखा जाए तो एक टिकटॉक जो ऐप था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का टैलेंट पूरे देश भर में बाहर आ गया। ये चीज भी है, मतलब अच्छी चीज भी हो गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐप्स से ज्यादा कुछ ना कुछ जो जरूरी है वो है अपना देश, क्योंकि देश के ऊपर कोई नहीं। ये ऐप्स कल भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। पर ये जो चाइनीज ऐप है जो बैन करके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये ऐप्स के माध्यम से बहुत सारा अपना इंडियन डाटा क्या कर रहे थे चाइनीज गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ क्या कर रहे थे, वो फॉलो कर रही थी कुछ ना कुछ, जो डाटा हमारा गलत इस्तेमाल कर रही थी। इसी के चलते क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स बैन कर दिए, क्योंकि वो उनको लगा इंटेलिजेंस, जो अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की, और जो वॉर चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे जवानों में मुठभेड़ भी हो गई, ठीक है ना। फिर भी हमारे जवान का दिल देखो कि चीन के कुछ लोग हमारे सरहद में आ गए, फिर भी हमारे जवानों ने उन लोगों को कुछ नहीं किया, बल्कि उन चाइनीज लोगों को उनके चाइना के सोल्जर के पास उनको छोड़ के आ गए। ये है हमारे जवान, सही में सैल्यूट करता हूँ हमारे जवान को, कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ठंड जगहों पे जो हमारे देश की रक्षा कर रहे। तो दोस्तों क्या है, आज का जो हम इंडियन ऐप के बारे में अगर बात करते हैं, तो मुझे सही में लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया था पिछले महीने में, वो पहले क्यों नहीं लिया, पर देर आए दुरुस्त है दोस्तों, मैं यही कहूंगा। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आज जो चाइना की हरकतें चालू है, ठीक है ना, उसकी वजह से हमारे सरकार को, हमारे जवानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही, और इसके लिए है आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं कि इंडियन ऐप के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है हॉनेस्टली इंडियन ऐप को हमें आगे लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है बहुत सारे ऐप, अगर गूगल पे अगर जाते हो आपको बहुत सारे इंडियन ऐप दिख जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो चाइनीज ऐप है उनको टोटली बैन कर दिया, तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पैसा हमारा कहाँ पे जा रहा था, जो इंडियन लोगों का पैसा वो उनके देश में जा रहा था। अब आज गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो चाइनीज ऐप बैन कर दिए, और उसके बदौलत क्या हुआ, फिर से गवर्नमेंट ने हमारा इंडियन ऐप को क्या किया है, नया बनाया है, इंडियन ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। और ये देखो दोस्तों, ये सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम जो चाइनीज ऐप यूज कर रहे थे तो हमारा डाटा उधर जा रहा था, हमारा पैसा उधर जा रहा था, मतलब हमारा पैसा हमारे देश में काम नहीं आ रहा था। अब आज गवर्नमेंट ने ऐसे अपने इंडियन ऐप लॉन्च किए हैं, चाहे आप मौज ले लो, मित्रों ऐप ले लो, चिंगारी ऐप ले लो, राइट ना, इंडियन मैसेजर ले लो, आप ऐसे ऐप है जो आप सर्च कर सकते हो, जो आपको ऐसी यूटिलाइज में आ जाएंगे, जो बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, ठीक है ना, जो अपने यहाँ डेली काम में आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडियन ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। इससे क्या होगा, देखिए दोस्तों, इंडियन ऐप को अगर आप प्रमोट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो यूजर्स हो, इंडियन यूजर्स हो, तो इंडियन यूजर्स खुद इंडियन ऐप यूज कर रहे हैं, तो अपने देश का पैसा
कहाँ पे ईयर लगेगा, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने ही देश में लगेगा, जिसकी बदौलत क्या होगा, बहुत सारे काम होंगे इंडिया में, ठीक है ना। अब चलो मान लो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं ना, अगर आप अपने इंडियन ऐप को यूज करते हो तो अपना पैसा अपने ही फाइनेंशियल देश के फाइनेंस में काम आएगा, अपने अर्थव्यवस्था को सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे सही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब तक इंडियन ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, अपनी जीडीपी पावर, अपनी जीडीपी रेट भी बढ़ता जाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे सुधार आएगा। और जैसे अगर बात करते हो चाइनीज फोन की भी, ठीक है, वो भी मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वस्तुएं हैं जो क्या है चाइना से इंडिया में भी आ रही हैं, तो धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएंगे। पर अगर हम ऐप के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं सच में यही कहूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये इंडिया आपको अगर प्रमोट करते हो तो ये बहुत देश के लिए अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपने सुना तो होगा कि गूगल जो सबसे सर्च करने वाला एक सर्च इंजिन है, ठीक है ना, पर आपको ये मालूम है क्या, जो चाइना जो एक कंट्री है उसमें ये गूगल सर्च इंजिन यूज नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं यूज होता है आपको मालूम है, क्योंकि उनके कंट्री के लोगों ने उनके ही कंट्री लेवल पे क्या है, एक सर्च इंजिन बनाया, मतलब चाइनीज सर्च इंजिन वो खुद यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों आज देखा जाए तो एक चाइना एक कंट्री है, ठीक है ना, मतलब मैं सच में उन चाइनीज लोगों को मैं सैल्यूट करूंगा कि क्यों, इसलिए क्योंकि वो अपने ही देश में अपने ही सर्च इंजिन बनाते, अपने ही एप्स बनाते हो, अपने देश की बढ़ोतरी में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अब देखिए मतलब आप चैट ऐप भी अगर देखते हैं तो वी चैट आपने नाम सुना होगा, तो वहां पे व्हाट्सअप नहीं चलता, वी चैट चलता है, वहां पे गूगल नहीं चलता है, वहां पे सर्च इंजिन को चाहे यूसी ब्राउजर है तो अलग सर्च इंजिन वहां पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उनकी रणनीति ये है दोस्तों, आप देखा जाए तो फेसबुक भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे ऐप, चाहे फेसबुक जैसा है ऐप क्या होने वाला है, रिनोवेशन होने वाला है, और मैं डेफिनेटली कहूंगा तो मैं तो यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज देश के काम में सहयोग करना चाहिए, चाहे वो इंडियन ऐप के माध्यम से हो या कुछ में, ठीक है ना। तो दोस्तों आज ये इंडियन ऐप एक ऐसा माध्यम है जहां से लोगों का एक टैलेंट भी बाहर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐप है, अब मान के चलो आप जो टिकटॉक पे लोग आते थे, गांव खेड़ों से शहरों से ऐसे लोगों का टैलेंट क्या होता था, वीडियोस के माध्यम से टिकटॉक पे क्या होता था, शेयर होता था, लोग पसंद करते थे, और मुझे भी लगता है कि उसके तहत, ठीक है ना, उसके रिप्लेस में आज इंडियन ऐप के लिए अगर प्रमोट करते हो, उसमें आप बहुत सारे लाइक वीडियो शेयर करते हो, चाहे मौज की अगर बात करते हो, तो मुझे सच में लगता है कि और अपने देश का टैलेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उस लेवल पर आ जाएगा। तो यही बात है दोस्तों, क्योंकि आज इंडियन ऐप्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा हमें सपोर्ट की जरूरत है। हम सभी लोगों को क्या करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि दोस्तों आज एक बात तो सच में मैं क्योंकि बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो वॉर चल रहा है इंडिया और चीन के बारे में, मैं एक बात बताऊँ क्या, जो चीन है ना, जो चाइना है, वो एक ऐसा देश है, मगर अगर मैं अपने शब्दों में बात करूँ ना, जो चाइना एक कंट्री है वो एक सोया हुआ अजगर है। अगर उसे कुछ ना कुछ उंगली करने के अगर हमने कोशिश की ना, तो वो पूरे वर्ल्ड को खा जाएगा और अपने आजू बाजू के देश को भी। हाँ दोस्तों मैं सच बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो चीन क्या कर रहा है, आप सभी को लोगों आओ चलो मान के आज कोरोना की बात ले लो ना, तो कोरोना कहाँ से आया, चीन से आया, क्योंकि कोरोना युद्ध तो नहीं करना चाहता, पर एक छोटी छोटी चाहे बीमारियां हो, ठीक है ना, ये ऐसे माध्यम से क्या कर रहे हैं, लोगों को पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, वो इग्नोराइज कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहे हैं, बीमारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना आधिपत्य पूरा देश को
क्या कर रहा है, दिखाना चाह रहा है, वो पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाह रहा है। तो मैं यही बात करना चाहूंगा दोस्तों कि आज जो सच में चाइनीज ऐप बैन किए ना, सबसे ज्यादा मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये ऐसे बहुत सारी चीजें है जो हमें देश में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काफी हैं, क्योंकि देश के ऊपर कोई भी नहीं। आप पबजी की अगर बात कर लो ना, पबजी जैसा गेम, हाँ वो भले ही एक कोरियन गेम था, पर उसमें क्या हुआ था, जो चाइनीज कुछ ना कुछ कम से कम 50-60% शेयर होल्डर थे, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने उसे बैन किया। तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि लोगों को बहुत सारा एडिक्शन हो गया था उसकी वजह से। उसकी वजह से क्या हो गया, आज फौजी भी गेम आ गया, आने वाला है, ठीक है ना। तो मुझे सच में ऐसा लगता है दोस्तों, आज इसके ऊपर बात करना मुझे सही में अच्छा लगा, क्योंकि ये बात मुझे आप लोगों तक पहुंचा नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि सच में दोस्तों, देश के ऊपर कोई भी नहीं, ठीक है ना, सबसे बड़ा मेरा देश। आज सही बात में है कि दोस्तों, आज चाइना और इंडिया के बीच में जो एक अनसुनी कुछ ना कुछ एक वॉर चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो और उसको देखा जाए तो सही में रिप्लाई देना जरूरी था, और सच में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई उनको दिया, और उनको कम से कम अरबों अरबों का नुकसान भी हुआ है, और सच में ये उनकी पापों की सजा है। पर दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने देश को ज्यादा से ज्यादा ये ऐसा प्रमोट करो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, क्योंकि जरूरी है, मैंने आपको बताया कि अपने अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। आज यही बात है कि लोगों तक ये बात पहुंचाना, मुझे सच में ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही चाहूंगा मैं आपसे, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।